शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो में हम कायनात के सबसे बड़े बदबख्त और काफिर के बारे में आपको बताएंगे, यानी फिरौन। फिरौन के बारे में कौन नहीं जानता? फिरौन कौन था और किसकी औलाद में से था, और फिरौन को फिरौन क्यों कहा जाता है, और फिरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले कौन सा काम किया करता था, और ये फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना। फिरौन ने खुदाई का दावा करने के लिए बनी इसराइल के मुसलमानों को किस तरह जानवर जैसा बना दिया था, और फिर फिरौन ने खुदाई का झूठा दावा किया और किस तरह मिस्र का झूठा खुदा बना। नाज़रीन, ये तमाम तर जवाबात हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, वो फिरौन जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पाया जाने वाला फितना था, उसका नाम वलीद बिन मूसा अद या मूसा अद बिन रियान था। फिरौन बदबख्त का ताल्लुक कबीला फिदिया से था और इसकी उम्र 400 साल थी। नाज़रीन, इतनी उम्र में ना तो वो कभी बीमार हुआ था और ना ही कभी इसके सर में दर्द हुआ था, और ना ही कोई दुश्मन इस पर गालिब आया था। इसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था, इसी वजह से यहूदी और निसारा इसको काबूस कहा करते थे। फिरौन बादशाह से पहले सख्त मजदूरी और तिजारत किया करता था। एक दिन मेहनत मजदूरी से तंग आकर बाजार की तरफ निकला और वहां पर इसकी मुलाकात हमान से हुई, और देखते ही देखते इन दोनों बदबख्तों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। चुनांचा उस वक्त दोनों मलून काम की तलाश में शहर की तरफ रवाना हो गए, और उन दोनों ने शहर के अंदर खरबूजे की खरीदो फरोख्त का काम शुरू कर दिया। इस तरह ये दोनों बदबख्त एक खरबूजे वाले के पास गए और उससे काम मांगा। चनानचा उस वक्त खरबूजे वाले ने इन दोनों से कहा, मेरे खरबूजे ले जाओ और बाजार में जाकर बेच जाओ, जब ये माल तुम दोनों फरोख्त कर दोगे तो मैं तुम दोनों को खाने के लिए दूंगा। उस वक्त खरबूजे वाले की बात सुनकर फिरौन ने हिमास से कहा, तुम यहीं ठहर जाओ और मैं ये खरबूजे ले जाता हूँ और बाजार में फरोख्त कर आता हूँ। चनानचा ऐसा ही किया गया और फिरौन वो खरबूजे लेकर शहर की तरफ चला गया, और वहां जाकर फिरौन ने दुकानदारों से खरबूजे खरीदने का कहा। उस वक्त दुकानदारों ने फिरौन से कहा, हम तो सौदा उधार खरीदते हैं और बेचने के बाद इसकी रकम अदा करते हैं, और यहां का तो यही दस्तूर है। चनांचा दुकानदारों की ये बात सुनकर फिरौन थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, और फिर उसी वादे पर वो सामान फरोख्त करके वापस चला गया, और फिर वापस आकर खरबूजे के मालिक से कहा, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता, और फिर फिरौन वहां से वापस चला गया। अब फिरौन को किसी अच्छे काम की तलाश थी, जिससे फिरौन ज्यादा से ज्यादा मालो दौलत और रुपया पैसा कमा सके। जिसके बाद फिरौन शाही मिस्र के दरबार में चला गया और बादशाह की खिदमत में जाकर दरख्वास्त पेश की कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे किसी काम की तलाश है और मैं खाने पीने से भी आजिज हूँ। बराए मेहरबानी अपने सल्तनत मिस्र के शहर में बतौर कदवी मुझे कोई काम दिया जाए और इस गुलाम को इस जगह पर मामूर करके सरफराज किया जाए। चनांचा उस वक्त फिरौन की ये बात सुनकर मिस्र के बादशाह ने उससे कहा कि तुम कौन सा काम जानते हो। लिहाजा बादशाह की ये बात सुनकर फिरौन बोला कि मुझे मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी दे दी जाए और इसके बदले कुछ रकम फिदिया के तौर पर मैं शाही खजाने में जमा करवाऊंगा, बाकी रकम मैं अपने पास रखा करूँगा, और मेरी इजाजत के बगैर मिस्र के इस कब्रिस्तान में कोई भी मुर्दा दफन ना हो। ये बात सुनकर उस वक्त के बादशाह मिस्र ने फिरौन को मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी दे दी। लिहाजा मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी मिलते ही फिरौन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी कब्रिस्तान के दरवाजे पर जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि अब कौन आता है जो अपने मुर्दों को दफन करता है। नाज़रीन, किसाए इलाही से उसी साल मिस्र में खौफनाक वबा फैल गई, जिसकी वजह से मिस्र के बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए, और फिरौन ने जब ये देखा तो उसने हर लाश के बदले उनके वारिसों से एक एक धर्म लेना शुरू कर दिया। इस तरह थोड़े ही दिनों में फिरौन के पास बहुत ज्यादा मालो दौलत और रुपया पैसा जमा हो गया और फिरौन अमीर हो गया। इतना ज्यादा मालो दौलत आने के बाद फिरौन ने ये सोचा, क्यों ना मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों को अपने अंदर कर लिया जाए। लिहाजा फिरौन ने ऐसा ही किया और फिरौन ने बादशाह मिस्र को कुछ पैसे देकर तमाम मिस्र के कब्रिस्तान की गुरुई अपने हाथ में ले ली,
چنانچہ اس طرح فرعون نے قبرستان کی گروہی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت زیادہ روپیہ پیسہ جمع کروایا اور فرعون کے اس فعل سے شاہ مصر بہت خوش ہوا اور اپنی جہالت کے سبب فرعون کو پیار اور محبت دینے لگا۔ اسی دوران قضائے الہی سے ایسا ہوا کہ اسی وقت مصر کا وزیر مر گیا۔ چونکہ اس وقت فرعون بادشاہ مصر کا بہت زیادہ مقرب بن چکا تھا، لہذا بادشاہ نے فرعون کو ہی مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدبخت ہو گیا اور اس نے اپنے بدبخت دوست حمان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت فرعون نے اپنے دوست حمان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھ کو اپنا خدا مانے اور میری عبادت کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حمان بہت حیران ہو گیا۔ حمان فرعون سے کہنے لگا، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کی تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو۔ حمان کی یہ بات سن کر فرعون نے حمان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے، کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے اور کس طرح وہ لوگ اپنا دین چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا تسلیم کرتے۔ اس وقت فرعون بدبخت نے اپنے دوست حمان سے اس بارے میں کوئی تدبیر نکالنے کا کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر حمان کچھ دیر کے لیے سوچنے لگا اور کہا، اور بادشاہ مصر سے درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں تمام مصر کے تمام تر لوگوں کی تمام تر خواہشات پوری کی جائے اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات بھی میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور جو لوگ بھی جو چیز حاصل کرنا چاہیں وہ بالکل مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی بات سن کر اس کی درخواست قبول کر لی اور ایک سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ ہدایت دے دی گی کہ فرعون نے ایک سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم حماد کے ہاتھ میں بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے اور پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اس سال کا خزانہ رعایا پر معاف ہے اور ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے اور مزید 2 سال کے اخراجات کی معافی کے لیے بھی ہم نے سرکار کے خزانے میں درخواست کی ہے کہ وہ بھی قبول ہوگی۔ فرعون کی یہ بات سن کر تمام رعایا بہت خوش ہوئی اور مصر کے تمام غریبوں اور مسکینوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی، لہٰذا ادھر مصر کی رعایا فرعون کے اس عمل پر بہت خوش تھی اور ادھر چند ہی روز بعد قضائے الہی سے مصر کا بادشاہ اپنی موت آپ مر گیا۔ اس وقت بننے والا بادشاہ کوئی بھی نہ تھا اور نہ ہی کوئی بادشاہ کا وارث تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس طرح بادشاہ مصر کی تدفین کے بعد 3 دن تک عیادت ہوتی رہی اور 4th روز مصر کے تمام قاضی، مفتی، عالم فاضل، عمراء و غربا، چھوٹے بڑے سب بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر بے سروپا ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون کی نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں کو معاف کروایا تھا اور ان کے اخراجات کے 3 برس کا پیسہ اپنے پاس سے بادشاہ مصر کو دیا تھا، اس لیے مصر کے تمام تر لوگ فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے اور فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے تمام لوگوں نے فرعون بدبخت کو مصر کا بادشاہ کا تخت پر بٹھا دیا۔ اس طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون ایک بہت اچھا انسان ہے اور ہماری رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ اس طرح جب یہ فرعون مصر کا وزیر سے مصر کا بادشاہ بن گیا تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حمان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حمان سے کہنے لگا، اب پورے مصر میں ہماری ہی بادشاہی ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے حمان سے کہا، اب کوئی ایسی تدبیر نکالو کہ جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا ماننے لگے اور میری عبادت کرنے لگے۔ اس وقت حمان بدبخت نے فرعون ملون کو یہ مشورہ دیا کہ پہلے مصر میں حکم جاری کیا جائے کہ مصر کے اندر جتنے بھی علماء اور وزیر دین کا درس دے رہے ہیں وہ سب کے سب دین کی تدریس کو ختم کر دیں اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں اور آئندہ آنے والی نسل
दीन से बेखबर और जाहिल पैदा हो। चनाचा उस वक्त हमान की बात सुनकर फिरौन ने फौरन ये हुक्म जारी किया और मिस्र के अंदर दर्स और तदरीस का सिलसिला खत्म कर दिया गया और फिरौन ने मिस्र के अंदर ये हुक्म जारी कर दिया कि कोई भी शख्स मिस्र में दर्स और तदरीस का सिलसिला ना करे वरना उसको कत्ल कर दिया जाएगा। फिरौन बादशाह का ये हुक्म सुनते ही तमाम लोगों ने कत्ल होने के डर से दीन की दर्स और तदरीस का ये सिलसिला फौरन खत्म कर दिया और मिस्र के लोगों ने बिल्कुल लिखना पढ़ना छोड़ दिया। इस तरह दर्स और तदरीस का सिलसिला खत्म होने के बाद वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ तमाम तर लोग जाहिल बन गए और इनसे दूर हो गए, अपने हकीकी खुदा अल्लाह अजल को बिल्कुल ही भूल गए। उस वक्त मिस्र के लोगों की हालत हो गई कि वो जानवरों की तरह जाहिल बन गए थे। उस वक्त फिरौन ने ये चाल चली, तमाम मिस्र के लोगों को हुक्म जारी किया जाए कि तमाम मिस्र के लोग अपने अपने घरों में बुत बनाकर उसको सजदा किया करें और उसकी पूजा किया करें। लिहाजा फिरौन का ये हुक्म आते ही एक कीमती कौम जो कसी तादाद में थी उन्होंने बुतों की पूजा शुरू कर दी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये सिलसिला 20 साल तक जारी रहा और फिर इसके बाद फिरौन ने ये ऐलान करवाया और इस ऐलान में ये अल्फाज लोगों के कान में पहुंचाए जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं मिलता है। जिस तरह अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया और बस लोगों को जमा किया और लोगों से कहा, मैं हूँ रब तुम्हारा सबसे बड़ा और बुलंद। नाजरीन इस तरह कई साल तक लोग बुतों की पूजा करते रहे और जब लोग मुशरिक और बुत परस्त बन गए तो इस वक्त फिरौन ने यह हुक्म जारी किया कि अपने घरों में मौजूदा तमाम बुतों को तोड़ दिया जाए और मुझे खुदा माना जाए और मेरी पूजा की जाए। लिहाजा फिरौन का यह हुक्म मिलते ही तमाम लोगों ने ऐसा ही किया। तमाम कीमती कौम ने अपने बुतों को तोड़ दिया और फिरौन को खुदा मानने लगे, लेकिन कीमती कौम के अलावा दूसरा कोई भी फिरौन को खुदा नहीं मानता था। कीमती कौम वाहिद ऐसी कौम थी जो फिरौन को अपना खुदा मानती थी और बाकी तमाम लोग अल्लाह तबारक ताला की वाहदियत पर यकीन रखते थे और इस वजह से फिरौन कीमती कौमों पर बहुत ज्यादा मेहरबान था और बनी इसराइल के मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म सितम करता था क्योंकि बनी इसराइल की कौम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर थी। इस वजह से फिरौन उनको जलील करता और उनसे भारी भरकम काम करवाता था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा अपनी वादियत पर ईमान रखने की तौफीक अता करे और इसी ईमान की हालत में हमें मरना नसीब हो। आमीन।